हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसे कि 4.6 फेज 1 में आने वाले सभी कैरेक्टर बैनर्स और वेपन बैनर्स अभी तक रिवील हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनमें क्या क्या आने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैरेक्टर बैनर एक्चुअली में पूरा हाउस ऑफ आर्थ का रियूनियन है। हमारे पास फादर है एंड उसके बाकी के तीनों के तीन बच्चे हैं, लिनी, लिनेट एंड फ्रेमिनेट, एंड साथ ही शांगलिंग भी आ रही है। मैं ऑनेस्टली काफी सरप्राइज हूँ क्योंकि मैंने शेवरूस को एक्सपेक्ट किया था, बट शांगलिंग आ रही है, सो शी इज गुड एज वेल। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं 4-स्टार कैरेक्टर्स पे। शुरू करते हैं शांगलिंग के साथ। शांगलिंग एक बहुत ही तगड़ी सब डीपीएस कैरेक्टर है एंड वो C4 पे आते ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है क्योंकि उसका बर्स्ट का ड्यूरेशन 40% से बढ़ जाता है। साथ ही वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल 4-स्टार पायरो कैरेक्टर्स है एंड वो काफी सारे टीम्स में काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, रिएक्शन टीम में भी एंड मोनो पायरो टीम्स में भी। साथ ही वो काफी ज्यादा F2B फ्रेंडली है, आप उसके ऊपर कोई भी वेपन यूज कर सकते हो एंड उसके पास वेपन वैरायटी की बहुत सारे चॉइसेस है। आप उस पे 5-स्टार वेपन भी यूज कर सकते हो, साथ ही 4-स्टार वेपन भी यूज कर सकते हो और वो कोई भी टीम में काफी आसानी से फिट आ सकती है अगर वहां पे पायरो कैरेक्टर की जरूरत है तो। एंड साथ ही उसका डैमेज भी काफी ज्यादा सॉलिड है, इसीलिए अगर आप चाहो तो फिर उसे पुल कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं फ्रेमिने के बारे में। फ्रेमिनेट इज अ वेरी गुड फिजिकल एंड क्रायो डैमेज डीलर। वो मोस्टली फिजिकल एंड क्रायो डैमेज का कॉम्बिनेशन देता रहता है एंड फ्रेमिने अर्ली गेम प्लेयर्स एंड मिड गेम प्लेयर्स के लिए एक डिसेंट पिक हो सकता है, बट एंड गेम में फिजिकल डैमेज इतना काम नहीं आता। बट फ्रेमिने इसी के साथ काफी फन टू प्ले है एंड आप उसे कैजुअली प्ले कर सकते हो। वो अपने बर्स्ट में खुद का अटैक स्पीड इंक्रीज कर लेता है जिस वजह से वो काफी जल्दी जल्दी डैमेज दे सकता है, बट इसका एक दिक्कत है कि इसका पूरा डैमेज पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए आपको उसका C1 अनलॉक करना जरूरी है। इसीलिए मेरी मानो तो फिर ये काफी डिसेंट ऑप्शन है बट कोई मस्ट पुल कैरेक्टर नहीं है। अब चलिए आगे बात करते हैं लिनेट के बारे में। ऑनेस्टली लिनेट भी एक काफी डिसेंट सपोर्ट एंड अ सब डीपीएस कैरेक्टर है एंड वो एलिमेंटल रेजिस्टेंस श्रेड में हेल्प कर सकती है 4-पीस वेरिडस एंड वेनरर सेट के साथ, बट उसका प्रॉपर डैमेज पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए आपको इसका भी C6 चाहिए होगा, जो कि एक काफी बड़ा टास्क हो सकता है। बट वो ओवरवर्ल्ड एक्सप्लोरेशन में भी काफी अच्छे से यूज हो सकती है क्योंकि उसके ई स्किल में वो काफी स्पीड से भाग सकती है, तो एक्सप्लोरेशन में वो एक काफी अच्छी कैरेक्टर है एंड आप उसे चाहो तो फिर निकाल सकते हो। सो ओवरऑल सभी 4-स्टार में से अगर मुझे रिकमेंड करना हुआ तो फिर आपको फोकस करना चाहिए शांगलिंग के कॉन्स्टेलेशंस निकालने के लिए, उसके बाद में लिनेट के एंड लास्ट में फ्रेमिनेट के। तो चलिए अब बात करते हैं आर्लेकिनो की। आर्लेकिनो एक मेन डीपीएस पायरोपोलम कैरेक्टर है, साथ ही वो किसी और कैरेक्टर द्वारा हील नहीं हो सकती, वो खुद ही के बर्स्ट से हील होगी एंड फुरीना प्लेयर्स के लिए एक काफी सैड बात है कि वो फुरीना के साथ काफी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कोई दूसरा कैरेक्टर उसे हील नहीं कर सकता एंड फुरीना ऑलरेडी बफ करने के लिए दूसरे कैरेक्टर्स का एचपी ड्रेन करते रहती है, तो जैसे कि आर्लेकिनो ऑलरेडी खुद को हील होने नहीं देगी और अगर उसका एचपी और ड्रेन होता रहा तो फिर वो काफी आसानी से मर सकती है, इसीलिए फुरीना के साथ वो प्ले नहीं की जा सकती अंटिल एंड अनलेस आप फुरीना को हीलर की तरह यूज करो। बट ये भी वायबल नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो सिर्फ अपने बर्स्ट से ही हील होगी, ना कि किसी और कैरेक्टर के हीलिंग से। आप उसे बेनेट जैसे बफर के साथ यूज कर सकते हो ताकि आप उसे अटैक बफ दे पाओ, बट वो बेनेट के बफ से भी हील नहीं होगी। साथ ही उसका पूरा किट वर्क करता है बॉन्ड ऑफ लाइफ मैकेनिक के साथ एंड अभी तक उसके टीम्स एंड कॉन्स्टेलेशंस के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट जितने मैंने लीक्स देखे हैं एंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता किया है, ये एक टिपिकल हाइपर कैरी होने वाली है, यानी कि आपको इसके अराउंड टीम बनाना पड़ेगा। इसी वजह से इसका सपोर्ट कैपेबिलिटी भी काफी बुरा होने वाला है क्योंकि ये एक मेन डीपीएस होगी। साथ ही इसके कॉन्स्टेलेशंस का आपको शायद से जरूरत पड़ सकता है, बट वो C0 पे भी काफी सॉलिड है, बट बेस्ट आउटपुट के लिए आपको C1 निकाल लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको इसका हाईएस्ट डैमेज पोटेंशियल अनलॉक करना है तो फिर आपको इसका सिग्नेचर वेपन भी निकालना पड़ेगा ताकि आप काफी ज्यादा क्रेजी अमाउंट ऑफ पायरो डैमेज डील कर पाओ। साथ ही वेपराइज टीम के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, बट उसके बारे में अभी तक इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो फिर ये कैरेक्टर आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि मैं इसके बिल्ड गाइड में जरूर इंक्लूड करूंगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं बिल्ड गाइड डालूं आपको पता चल सके। एंड अगर मुझे इसके बीच में एंड न्यूविलेट के बीच में अगर किसी को चूज करना हुआ तो फिर आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप न्यूविलेट निकाल लो क्योंकि वो काफी ज्यादा F2P फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू आर्लेकिनो, बट वो एज अ पायरो डीपीएस भी काफी ज्यादा सॉलिड है, यानी कि वो अच्छा खासा डैमेज दे देगी। इनफैक्ट रॉ पायरो डैमेज में भी वो अच्छा डैमेज दे सकती है एंड रिएक्शन में भी वो डैमेज दे सकती है, बट मैं आर्लेकिनो अर्ली गेम प्लेयर्स एंड मिड गेम प्लेयर्स के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एंड गेम प्लेयर हो तो फिर उसे निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफी सारे सपोर्ट कैरेक्टर्स होंगे जो आप उसे इसके साथ यूज कर सकते हो। अर्ली गेम प्लेयर्स एंड मिड गेम प्लेयर्स के पास इतने कैरेक्टर्स नहीं होते कि आप इसके अराउंड टीम बिल्ड कर पाओ, इसीलिए दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आर्लेकिनो आप चाहो तो निकाल सकते हो एंड स्पेशली अगर आप एंड गेम में हो तो फिर आपको निकाल लेना चाहिए क्योंकि उसका डैमेज सही है। साथ ही उसको एनर्जी रिचार्ज का भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो सिर्फ अपने बर्स्ट से हील होती है, यानी कि उसका बर्स्ट बार बार वापस लाना जल्द से जल्द काफी ज्यादा जरूरी होगा, इसीलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी उसके काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं। एंड अगर आप उसका सिग्नेचर वेपन नहीं निकालते हो तो भी उसके दूसरे अल्टरनेटिव वेपन्स काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं क्योंकि इसके अलावा आपको दूसरे ऑप्शंस भी या तो 5-स्टार वेपन यूज करने हैं या फिर गाचा वेपन ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे। तो चलिए अब आगे नजर डालते हैं लिनी के ऊपर। सो लिनी एक मेन डीपीएस पायरो बो यूजर है, वो काफी ज्यादा रॉ पायरो डैमेज देने में अच्छा है, यानी कि वो रिएक्शन टीम में काम नहीं आ सकता, वो मोनो पायरो टीम्स में मोस्टली आउटशाइन कर जाता है सभी को एंड उसका प्ले स्टाइल काफी ज्यादा सिमिलर है गानी
न्यू से। इसका भी बिल्ड गाइड मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड अगर आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा तो फिर मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार इस कैरेक्टर को ट्रायल में यूज कर लो, अगर आपको इसका डैमेज एंड इसका प्ले स्टाइल पसंद आता है तो फिर आप इसे निकाल सकते हो। इसका डैमेज तो सॉलिड है ही, बट बात आती है कि क्या आपको इसका प्ले स्टाइल पसंद आएगा। सो उस चीज के लिए आप इसे खुद ट्राई कर लो, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको इसे निकालना है या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं वेपन बैनर की। वेपन बैनर में आने वाला है फर्स्ट ग्रेट मैजिक और द क्रिमजन मून सेम्बलेंस। पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रेट मैजिक की। ये वेपन लिनी का सिग्नेचर वेपन है। ये वेपन आपको काफी ज्यादा क्रिट डैमेज भी देता है, साथ ही ये वेपन यूजर को काफी ज्यादा बूस्ट भी देता है अटैक में। एंड इसका अटैक बूस्ट डिपेंड करता है आपकी बाकी टीममेट्स पे। अगर आप सेम एलिमेंटल टाइप के टीममेट्स को यूज करते हो उस कैरेक्टर के साथ जो कि इसे यूज कर रहा है, तो फिर आपको अटैक बफ काफी ज्यादा इंक्रीज मिल सकता है। साथ ही इस वेपन से आपको चार्ज्ड अटैक में भी डैमेज इंक्रीज मिलेगा। बात करूं क्रिमजन मून सेम्बलेंस की, तो फिर ये काफी ज्यादा नीश वेपन है अभी के लिए, क्योंकि आर्लेकिनो के अलावा अभी कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है जो इसे यूज करे। बट इन फ्यूचर इस वेपन को यूज करने के लिए कैरेक्टर्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, तो फिर अब तक कोई श्योरिटी नहीं है कि ये वेपन आगे के लिए वायबल होगा या नहीं। बट ये वेपन आर्लेकिनो के लिए प्रॉपरली टेलर मेड है, क्योंकि ये पैसिव में बॉन्ड ऑफ लाइफ देता है जो कि आर्लेकिनो के डैमेज इंक्रीज के लिए काफी अच्छा है। बात करूं बाकी फोर स्टार ऑप्शन की, तो फिर वो भी काफी अच्छा है। फेबोनियस वॉर्बो एक काफी अच्छा ऑप्शन है फ्री टू प्ले कैरेक्टर्स के लिए, एंड काफी सारे फोर स्टार एंड फाइव स्टार कैरेक्टर्स इसका यूज कर सकते हैं। ये वेपन काफी अच्छा है, एनर्जी रिचार्ज दे देता है और साथ ही आपके बाकी पूरे टीम के लिए एनर्जी जनरेट करने में काम आ जाता है। इनफैक्ट R5 पे आप इसे यलान पे भी यूज कर सकते हो, एंड ये काफी अच्छा है उसके साथ। बात करूं स्वॉर्ड की, तो फिर स्वॉर्ड आपको HP परसेंटेज देता है, जो कि आई नो काफी ज्यादा कैरेक्टर्स डिमांड नहीं करते, बट कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि लेला या फिर नीलू के लिए ये काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि लेला के शील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए एंड नीलू के ब्लूम डैमेज इंक्रीज करने के लिए आपको HP चाहिए। सो ये वेपन उन दोनों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। कैटलिस्ट तो बेकार ही है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। पोलाम है ड्रैगन्स बेन। ड्रैगन्स बेन काफी बार आ चुका है वेपन बैनर पे, एंड ये ऑनेस्टली काफी अच्छा फ्री टू प्ले ऑप्शन है हुटाओ के लिए भी, एंड EM दे देता है, इसलिए आप इसे रिएक्शन बेस्ड पोलाम कैरेक्टर्स पे यूज कर सकते हो। इनफैक्ट शांगलिंग भी इसका यूज कर सकती है, एंड रोजारिया भी मेल्ट टीम में इसका यूज कर सकती है। बात करूं क्लेमोर की, तो फिर ये क्लेमोर भी आपको HP परसेंटेज देता है बिल्कुल स्वॉर्ड की तरह। एंड ऑनेस्टली आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी कैरेक्टर जो कि HP परसेंटेज यूज करे, बट काफी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सायू, या फिर इन कुछ केस आप डेहा पे भी ये वेपन दे सकते हो अगर आपको सिर्फ एक्सप्लोरेशन डेहा बनानी है। तो फिर ये क्लेमोर भी इतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है वेपन ऑप्शन में। अगर मुझे फोर स्टार ऑप्शन में सबसे बेस्ट वेपन बताना हुआ तो फिर आपको बो पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसके रिफाइनमेंट्स निकालना काफी अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद पोलाम के रिफाइनमेंट्स निकाल लो, अच्छा होगा, एंड देन स्वॉर्ड के रिफाइनमेंट्स निकाल लो। आफ्टर दैट क्लेमोर पे ट्राई कर सकते हो, बट नॉट रियली रिकमेंडेड, एंड प्लीज कैटलिस्ट को तो बिल्कुल मत निकालना। सो यही था 4.6 फेज 1 में आने वाले कैरेक्टर्स और उनके बैनर्स। ऑनेस्टली ये कैरेक्टर बैनर्स काफी अच्छे हैं, एंड वेपन बैनर भी काफी अच्छा है, आप चाहो तो पुल कर सकते हो। बट पर्सनली मैं इन कैरेक्टर्स पे पुल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरे कैरेक्टर्स के लिए सेव कर रहा हूं। बट अगर आपको निकालना हुआ तो फिर आप दोनों कैरेक्टर्स निकाल सकते हो, क्योंकि डैमेज के मामले में ये दोनों कैरेक्टर्स काफी तगड़े हैं गिवन द कंडीशन आपके पास अगर ऑलरेडी काफी अच्छे सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं। वेपन बैनर की बात करूं, तो फिर ये वेपन बैनर भी काफी सॉलिड है, आप चाहो तो फिर पुल कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी वेपन काफी ज्यादा ऑफेंसिव स्टैट्स देते हैं, सो ये अच्छे ऑप्शन है। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी दूसरे बिल्ड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप मेरे लाइव स्ट्रीम पर आके भी मुझसे डायरेक्ट हेल्प मांग सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।